बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को काफी लंबे समय से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिसके बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा कर दिया है टाइट। खबरों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। ये वही गैंग है जिन्होंने पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। ऐसे में अब जान की धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दी है और अब उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जा रही है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि सलमान खान के अलावा महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी सीएम और मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी यानी कि अमृता फडणवीस को भी इस वक्त टाइट सिक्योरिटी दी जा रही है। यही नहीं बल्कि दोनों के लिए वीआईपी हथियार लिए सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे तैनात रहेंगे। इस समय राज्य सरकार और मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर बड़ी चिंता जताई है। उन्हें लगातार मिल रही धमकी की वजह से अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं अगर एक रिपोर्ट की माने तो जांच एजेंसी से मिले जानकारी के इनपुट को पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को दे दिया है। वहीं अब इसके बाद सलमान खान को गन लाइसेंस भी दे दिया गया है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि सलमान खान पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड के कई सेलेब्स को भी ये सिक्योरिटी दी जा ही चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सब पर होने वाले पूरे खर्च सिक्योरिटी लेने वाला शख्स ही उठाता है। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान टाइगर 3 से दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।